ये आ रखे हैं हम गांव में, ये हम धुरा गांव में किसी के घर पर आ रखे हैं। ये इनके केले के पेड़ हैं, यहाँ पे केले आ रखे हैं पेड़ पे, देखो ये इस तरह केले आ रखे हैं इस पे, और बहुत ज़्यादा पेड़ हैं यहाँ पे केलों के। इन्होंने कपड़े पे टांग रखे अपने, इस ही बता रहे हैं केले के यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं, ये देखो। और इनकी गाय भैंस, ये है इनका घर। और ये हमारे उधर भी आते हैं, अगर आएंगे तो मैं इनको आप लोगों को मिलाऊंगी। और ये है इनके यहाँ पे पशु, यानी कि गाय भैंस बैल बंधे हुए हैं, और इनके कानों पे लगा रखे हैं जो पीले पीले हैं। मुझे मैंने भी पूछा, पहले ये नहीं होते थे, अब ये इसलिए लगा दिए हैं कि जैसे लोग गाय को दूध पी के भगा देते, जैसे गाय का दूध पिया फिर गाय जब दूध नहीं देती तो उसे भगा देते, तो इसलिए इन्होंने हर पशु पर गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह का बैच सा लगा दिया है, और इन पर नंबर लगे होते हैं और कुछ कागज़ भी इनको मिले होंगे ताकि ये गाय पूरे गांव में सभी गाय भैंस बैल जो भी रखे हैं सब पे इस तरह के बैच लगा दिए हैं। और ये देखो यहाँ के, यहाँ से जो आसपास का नज़ारा दिखता है ये देखो। और आजकल तो ऐसा महसूस होता है कि हर घर जंगल में है, पर ऐसा नहीं है। हमारा उत्तराखंड कितना सुंदर और हरा भरा है। ये हैं भिंडी के पौधे, हमारे उत्तराखंड में इस तरह की भिंडियों के पेड़ होते हैं। देखो कितना बड़ा है, यहाँ से देखो इतने आदमी से भी बड़े होते हैं ये, 6-7 फीट तक, क्यों ज़्यादा ही हो गया, देखो 8-9-10 फीट का पौधा हो जाता है इतना बड़ा। और भिंडी भी बड़ी बड़ी आती है। और ये हैं हल्दी के पौधे, और ये देखो मैं अभी आप लोगों को भिंडी दिखाती हूँ कितनी बड़ी बड़ी भिंडियाँ होती है हमारे उधर। ये देखो ये अभी कच्ची है बिल्कुल, आप ये नहीं सोचना कि पक्की हो गई है, कच्ची भिंडी है, इसको 2-3 दिन बाद तोड़ेंगे ये लोग। ये देखो इतनी ऊँची पे, देखो ये फूल भी लग रहे हैं ऊपर, इतनी बड़ी बड़ी भिंडियाँ होती है हमारे घर। ये देखो कितने बड़े बड़े पेड़ हैं भिंडी के, और ये भिंडी हो गई पक्की, ये देखो ये पक्की हो गई है। अब ये इनको शायद हमने बीज के लिए रखा होगा, ये इतनी बड़ी बड़ी भिंडियाँ होती है, और सब्जी इसकी टेस्टी होती है। एक भिंडी है देखो, बंदर ने ही तोड़ी होगी, इंसान तो ऐसे तोड़ के नहीं फेंकेंगे। और ये है रियास, पूरी बेल उसी की है, अब ये बंदर आएंगे सब खा जाएंगे। इन लोगों को तो खाने के लिए कम ही मिलता है, अब खाली मेहनत मेहनत आती है हाथ में। ये रहे यहाँ का नज़ारा, और पीछे से गाय की बच्चा की आवाज़ आ रही है, क्योंकि सामने ही उनकी मालकिन काट रही है घास, तो उनको दिख रही है, तो इसलिए वहाँ से वो ये हम आओ फिर आओ। ये है यहाँ का नज़ारा दूसरे घर का, और मैं इस तरफ कभी आई भी नहीं हूँ, आज पहली बार आ रही हूँ। ये तिल बो रखे हैं इधर, ये है वो देखो सामने फूल, और मैं वहाँ पर जाऊँगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। और ये है पेड़ बिथौन का, और इसे हिंदी में बकांत बोलते हैं, ये नीम का ही भाई है। इधर का नज़ारा आप लोग देख ले एक बार, कितना सुंदर नज़ारा, और इतना अच्छा मौसम हो रखा है, इतनी ठंडी हवा चल रही है, ये देखो। और ये है हिसालू बोलते हैं जिसे, हिसालू का पौधा है, और इसके पौधे और इसका पौधा भी बहुत बड़ा होता है। ये घर के पास में है तो इसको काट रखा है, पहले तो घर के पास होते नहीं थे, लेकिन अब घर में लोगों का रहन सहन कम हो गया तो इस तरह पौधे होने लगे हैं। और ये कांटेदार पौधा है, इस पर पीले कलर के गोल आते हैं ऐसे हिसालू, और ये कांटेदार तो है लेकिन इसके जो फल आते हैं बहुत टेस्टी और औषधि का काम करते हैं। तो ये है पंडित जी, ये पंडिचारी करते हैं, पहले ये स्कूल में अध्यापक थे, तो मैं इनके पास आई हूँ, तो मैं इनसे मैंने बात करी कि ये अपना नाम बताएं और अपना गांव का नाम बताएं, तो ये बताएंगे। बताओ। हाँ, मेरा नाम है रमेश चंद्र लक्षौरा, और मैं प्रधानाध्यापक पद से अवकाश प्राप्त हूँ,
और ग्राम धूरा है। अब मैं घर पर रहता हूँ और घर में ही देख रेख करता हूँ अपने घर की। हाँ, तो ये इनके बच्चे रामनगर में इनका मकान है, वहाँ पे जॉब करते हैं और ये रामनगर भी आते जाते रहते हैं और घर में भी देख रेख करते हैं। और जैसे मैं थोड़ी देर पहले आप लोगों को बता चुकी कि ये पंडिचारी करते हैं, तो ये हमारे गांव के भी पंडित हैं, हमारी भी हैं मतलब, और इधर और गांव के भी होंगे। तो इस वजह से बार बार इधर आना जाना इनके रामनगर में, घर पे भी देख रेख करनी होती है। तो ये हैं पंडित जी और इनका घर में, ये अपनी छत पे बैठे हुए हैं दूसरी जगह पे, यहाँ पे बगल में है ये वाला कमरा, और जो इनका पुराना घर है उसकी छत मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। और मैं अभी इनके घर के सामने जाऊंगी तो वो आप लोगों को दिखा दूंगी। ये जिन पंडित जी से मैंने अभी बात कराई, मैंने बात करी उनका घर है ये नरा से। हाँ, तो ये देखो इनकी अरवी यहाँ पे लगी हुई है, और ये है कितना सुंदर फूल, ये देखो कितना सुंदर फूल। और कोई कोई फूल सूख गए हैं, इस तरह के फूल हैं यहाँ पे, देखो कितना सुंदर नज़ारा। ये है इधर इनका एरिया, इनकी जगह है यहाँ पे, ये रहा, ये देखो कितने सुंदर फूल लगे हुए यहाँ पे। ये देखो ये अनार था दैडिंग का, अच्छा ये देखो अनारदाना का पेड़। इस पर मेरे को पहली बार आज अनारदाने दिखे, एक दो बार पहले भी आप लोगों को अनारदाना का पेड़ दिखा चुकी हूँ, पर इस पर देखो कितने सारे, इसको बोलते हैं दाड़िम और हिंदी में से अनारदाना बोलते हैं। देखो पूरा पेड़ भरा हुआ है, और ये है बकांत जिसे हमारे यहाँ पर बितौड़ बोलते हैं, नीम का भाई है, मैं थोड़ी देर पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ। और यहाँ पर है मौसमी का पेड़, देखो कितना छोटा सा पेड़, कितनी सारी मौसमी आ रखी है। देखो हमारे यहाँ पे बहुत सारे फल होते हैं, ये देखो पूरी डाली भरी हुई है और कितना हरा भरा पेड़ है। और ये है इनका घर इधर वाला, लोग जब घर पे कम रहते हैं तो घर में थोड़ा सा अच्छे से साफ़ सफाई नहीं होती है, नहीं तो पहले घर पे रहते थे और ये आंगन लीपा हुआ अच्छे से रहता था। और ये है इनका घर ये वाला जिनसे मैंने बात कराई थी, इधर वाला घर है इनका, ये है इनका घर। और उधर है दूसरे भाई का, वो मैं आप लोगों से अगर वो बात करेंगे तो बात कराऊंगी। और ये है तोरी की बेल जिस पर कि एक भी तोरी नहीं लगी हुई है, ये देखो। और इस साल सब्जी पता नहीं क्या दिक्कत है, बेलों पर सब्जी लगी नहीं, चाहे घिया कद्दू तोरी लौकी कुछ भी है, कुछ भी नहीं लगता ये देखो। और अब थोड़े दिनों बाद लगेंगे तो इतनी गदर हो जाएगी बहुत ही ज़्यादा। ये है लौकी की बेल, ये है मौसमी का, ये देखो भरा पड़ा है। और इधर मेरी सासू माँ इनसे बातें कर रहे हैं, ये देखो कितने सुंदर अभी है और इतने मीठे, माल्टा बोलते हैं हमारे यहाँ पे इसको। ये है मौसमी का, देखो कितना हरा भरा, इतना हरा है ये देखो, कितना हरा देख लो, ये देखो पूरा पेड़ भर पड़ा। और ये लोग यहाँ पे बातें कर रहे हैं, मेरी सासू माँ इनको जानते हैं और ये मुझे भी जानते हैं। और ये है इनका घर, ये दो भाई हैं जैसे मैंने थोड़ी देर पहले वीडियो में बताया, तो एक भाई का घर इधर है, इन्होंने अपने घर पे फ्रंट वाले गेट पर लाल कलर कर रखा है और इन्होंने मरून कलर कर रखा है, ये देखो। और ये फिर से इधर तोरी की बेल और ये गुलाब के फूल भी इधर लगे हैं सुंदर। और ये है यहाँ पे अरवी, देखो कितना बड़े बड़े पत्ते हैं इसके अरवी के, ये देखो बहुत बड़े बड़े पत्ते, ये देखो। और इसे पापड़ के पत्ते बोलते हैं हमारे उत्तराखंड में, बोलते हैं पापड़ा पतेल। और ये हैं अरवी के पत्ते, इतने बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े, पूरे हमारे खालियो गांव में, पूरे उत्तराखंड में सभी जगह इस तरह अरवी लगाई जाती है। और ये देखो इधर लंगूर आए हुए हैं, तो किस तरह देखो किस खेती का बर्बाद कर देखे, देखो ये मिर्च का, ये देखो
मिर्ची का पौधा इस तरह यहाँ से तोड़ दिया जड़ से और ये मिर्ची का पौधा नीचे गिर गया। भलू लगदू मोहना तेरो हसी हसी बचनो रे भलू लग।